स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। तो जैसे पहला है -3 प्लस -8। तो यहाँ पे देखिए -3 में -8 जुट रहा है, तो राइट साइड में भी क्या लिखा हो, -8, तो क्या मिसिंग हो रहा है, -3। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। अब इधर देखिए -21 में क्या जोड़ेंगे कि हमें प्राप्त होगा -60। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं, हम लोग देखेंगे कि कितना घट रहा है। तो 60 में घटा दीजिए 21 को, तो ये हुआ 9, 5 में 2 3 39। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका होगा -39। क्योंकि देखिए प्लस जोड़ रहे हैं तो -21 में -39 को जोड़ेंगे तो आएगा -60। ठीक है, या यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, घटा रहे हैं तो साइन तो बड़े वाले का लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे ये लेंगे। ठीक है, मतलब आपको सिंपल है, याद रखिएगा कि आपको माइनस में लाना है तो -21 -30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -60। सिंपल लॉजिक है। अब इसमें देखिए -58 में जोड़ रहे हैं -86, तो राइट साइड में -58 दिया हुआ है, ये दोनों साइड है, मिसिंग क्या हो रहा है तो -86। ये दोनों लिखेंगे तो ये क्या हो गया, इक्वल। अब इसमें देखिए डी में -97 प्लस, क्या प्लस करना है नहीं पता है, लेकिन क्या मिल रहा है -97, मतलब रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो बिना जोड़े है ना, रिजल्ट कुछ जोड़ रहे हैं फिर भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या जुट रहा है, जीरो। जीरो को ऐड करेंगे कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएगा। अब इसमें देखिए 35 है लेकिन रिजल्ट जीरो हो गया, मतलब ये 35 पूरी तरह से खत्म कर देना है, मतलब ये प्लस 35 है तो हम लोग को इसमें करना होगा -35। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 35 प्लस माइनस 35 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 35 में 35 गया तो जीरो। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो साइन का मल्टीप्लीकेशन है, -(-), तो सब जानते हैं प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 67 प्लस 67। ये काफी इजी है, इसमें -13 में जुट रहा +27 और बाहर है -31, और यहाँ क्या हुआ -13 है ना अलग हो गया, ब्रैकेट में चल गया 27, अब प्लस क्या मिसिंग है तो -31। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट कि दो पूर्णांकों का -16 है, एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो पूर्णांकों का योग, कहने का अर्थ ये है कि दो पूर्णांक है, दोनों का योग -16 है, दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, आंसर मिल रहा है -16। अब उसमें कहता है कि एक पूर्णांक 36 है, ठीक है स्टूडेंट, तो एक पूर्णांक क्या है 36 है, तो हमें बताना है दूसरा पूर्णांक, तो पता नहीं है तो मान लेंगे x, तो यहाँ पर मान लीजिए x लिख दिए तो ये एक समीकरण बन गया। अब यहाँ सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, +36 उधर क्या हो जाएगा -36, x का जो मान आएगा वही होगा दूसरा पूर्णांक। तो हम सॉल्व में लिखेंगे, माना कि दूसरा पूर्णांक बराबर x, ठीक है, दूसरा पूर्णांक बराबर x और पहला पूर्णांक क्या दिया गया है 36। आप सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -16, उसमें एक 36 है और एक पता नहीं है तो वो x है, ठीक है, माने हम लोग। अब +36 है स्टूडेंट, है ना, आप यहाँ ब्रैकेट नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई साइन नहीं है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए +36
तो आप लोग पढ़े होंगे तो उधर साइन बदल जाता है जाके, मतलब ये कि प्लस 36 उधर जाके बनेगा माइनस 36, तो माइनस 36। अब आप जानते हैं सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड, तो जोड़ देंगे तो 6 6 12, 3 1 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5, और माइनस का साइन, तो x बराबर आया -52। यही हो गया दूसरा पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल स्टूडेंट, सीधा सॉल्व करने पे आते हैं, क्या करना है तो a और दूसरा पूर्णांक है -7, और इन दोनों पूर्णांकों का अंतर है 5, मतलब इन दोनों को घटाया जाएगा तो कितना मिलेगा 5। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, मतलब ये a हुआ और -7 हुआ, अंतर मतलब बीच में माइनस घटाना है, और घटाएंगे तो वो 5 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करके बताना है a का मान, तो हम लोग बोलेंगे a तो ठीक है माइनस ब्रैकेट हो गया गुना माइनस इनटू माइनस प्लस, और ये 7 बराबर 5। अब यहां से +7 है स्टूडेंट, तो प्लस से उधर जाके आरोचित बन जाएगा माइनस, तो a बराबर 5 -7। अगर आपको समीकरण हल करने में प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, जाएं देखें सीखें, तब आपको ये सॉल्व करने का मतलब मेरे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद a बराबर 5 -7, तो घटेगा 7 में 5 गया तो 2 बराबर -2 तो माइनस, ये हो गया a का मान। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम फिनिश कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।